हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, प्रो कबड्डी सीजन 11 का जो ऑक्शन है वो जस्ट खत्म हुआ है इसी मंथ में, 15 या 16 अगस्त में। और जितने भी फ्रेंचाइजी है 12 की 12, उन्होंने अपना अपना पूरा स्क्वाड ले लिया ऑक्शन में। किसी ने 18 प्लस प्लेयर लिए, किसी ने 20, किसी ने 23, किसी ने 25 का स्क्वाड बनाया है। तो ऐसे में कि स्टार्टिंग से उन क्या हो सकती है, क्योंकि समझो आपने लिए 23 प्लेयर्स, तो 23 प्लेयर में सबको स्टार्टिंग साथ ही खिलाने हैं। ऐसे में सब प्लेयर्स में कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है, क्योंकि जब भी चांस मिलेगा तो परफॉर्म करना है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स स्क्वाड में है। 23, किसके 20, किसी के 25, उसमें से सिर्फ 7 प्लेयर खेलेंगे, तो कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा है। तो स्टार्टिंग से उन क्या हो सकती है कोई भी टीम की, तो हम लोग पुनेरी पलटन की टीम की बात करेंगे, क्योंकि प्रो कबड्डी सीजन 10 की वो चैंपियन थी, प्रो कबड्डी सीजन 9 में फाइनल में थे। तो बहुत ही जबरदस्त टीम है, बहुत ही यंग टैलेंटेड प्लेयर है, बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स है, बहुत अच्छे डिफेंडर्स है, बहुत ही जबरदस्त रेडर है उनके पास। जो सीजन 10 के जो कोर टीम थी उनकी, उन्होंने उनको रिटेन किया हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि पुनेरी पलटन की स्टार्टिंग सेवन क्या हो सकती है, कौन से प्लेयर है वो जो स्टार्टिंग सेवन में खेलेंगे पुनेरी पलटन के लिए प्रो कबड्डी सीजन 11 में। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि प्रो कबड्डी सीजन 11 रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आने वाले, तो एक भी वीडियो मिस मत कीजिए। जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जो भी मैं नए वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते पुनेरी पलटन का स्टार्टिंग सेवन क्या हो सकते हैं, कौन से वो 7 प्लेयर जो पुनेरी पलटन के स्टार्टिंग में खेलेंगे, कौन से वो 3 रेडर होंगे, कौन से 4 डिफेंडर होंगे, तो हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मैट और ये पुनेरी पलटन की स्टार्टिंग सेवन है, तो मैं आपको धीरे धीरे रिवील करता हूँ स्टार्टिंग सेवन पुनेरी पलटन की क्या हो सकती है। 101% ऑलमोस्ट यही स्टार्टिंग सेवन होगी पुनेरी पलटन की। तो पुनेरी पलटन के जो पहले रेडर होने वाले वो होने वाले हैं असलम इनामदार। असलम इनामदार की बात करेंगे तो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर में से एक है, उन्होंने करके बताया क्योंकि क्यों वो बेस्ट ऑलराउंडर है। एशियन गेम्स, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में उन्होंने बताया कि वो ऑलराउंडर है, रेडिंग से बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म दिया, टैकल भी बहुत ही बढ़िया किए। कंटिन्यू पुनेरी पलटन के लिए बहुत ही जबरदस्त खेल रहे, प्रो कबड्डी सीजन 9, प्रो कबड्डी सीजन 10, महाराष्ट्र के लिए कंटिन्यू बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते रहे नेशनल लेवल में। 69 सीनियर नेशनल, उसके बाद 70 सीनियर नेशनल, 36 नेशनल गेम, 37 नेशनल गेम्स, बहुत ही बढ़िया उन्होंने परफॉर्म किया, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया, टैकल भी बहुत बढ़िया किए, रीडिंग भी बहुत ही जबरदस्त किया। तो बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में, फिटनेस लेवल उनका बहुत ही बढ़िया है, कंटिन्यू वर्कआउट करते रहते और बहुत ही बढ़िया फिटनेस लेवल खुद का रखते, खुद को बहुत ही फिट रखते, स्किलफुल रेडर है, बोनस बहुत ही क्विक करते और बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है, बहुत अच्छे टैकल भी बहुत ही बढ़िया करते, बैक शूट बहुत ही बढ़िया करते, एंकल और बहुत ही जबरदस्त करते। तो उनकी ऑलराउंडर एबिलिटी का देखते प्रो कबड्डी सीजन 11 में पुनेरी पलटन को कैसा फायदा होता है और असलम इनामदार कैसे परफॉर्म करते पुनेरी पलटन के लिए प्रो कबड्डी सीजन 11 में। तो पुनेरी पलटन के जो राइट कवर होने वाले वो होने वाले अभिनेश नादराजन। अभिनेश बहुत ही जबरदस्त राइट कवर डिफेंडर है, बहुत अच्छे टैकल लगाते, ब्लॉक बहुत ही बढ़िया करते, पुनेरी पलटन के लिए कंटिन्यू बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म करते आ रहे। प्रो कबड्डी सीजन 10 में भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया था, बहुत अच्छे टैकल लगाए थे। प्रो कबड्डी सीजन 9 में उन्होंने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किया था। थोड़े मंथ पहले 70th सीनियर नेशनल होता महाराष्ट्र में, उसमें अभिनेश रेलवेज की तरफ से खेले थे और बहुत ही जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म दिया था। रेलवे फाइनल में आई थी, हरियाणा से हार गई रेलवे फाइनल में, लेकिन अभिनेश का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही जबरदस्त उन्होंने टैकल लगाए, ब्लॉक बहुत ही बढ़िया किए, तो उनका फॉर्म बहुत ही जबरदस्त है और कंटिन्यू सीजन 9 सीजन 10 में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म करते आ रहे। उनके अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से पुनेरी पलटन ने उनको ऑलरेडी सीजन 11 के लिए रिटेन करके रखा है। तो देखते प्रो कबड्डी सीजन 11 में कैसा परफॉर्म करते अभिनेश पुनेरी पलटन के लिए। प्रो कबड्डी सीजन 11 में पुनेरी पलटन के जो लेफ्ट कवर होने वाले वो है संकेत सावंत। संकेत सावंत महाराष्ट्र के मुंबई शहर से बिलोंग करते हैं, बहुत ही जबरदस्त लेफ्ट कवर डिफेंडर है, बहुत अच्छा ब्लॉक करते, डैश बहुत ही बढ़िया करते और थाई होल बहुत ही जबरदस्त करते। अभी जस्ट महाराष्ट्र स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप खत्म हुआ, उसमें मुंबई शहर के लिए खेलते उन्होंने बहुत ही बढ़िया टैकल लगाए। उसके पहले जो 70 सीनियर नेशनल होता उसमें महाराष्ट्र टीम का हिस्सा थे संकेत सावंत और बहुत ही जबरदस्त उन्होंने टैकल लगाए थे, ब्लॉक डैश बहुत ही बढ़िया किए थे और थाई होल बहुत ही जबरदस्त कर रहे थे उस टूर्नामेंट में।
अगर संकेत सोन के टैकल की वीडियो देखने आप जाके मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, महाराष्ट्र टीम में उन्होंने बहुत ही बढ़िया टैकल किए थे। तो बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में संकेत सावंत और पुनीर पलटन के लिए कंटिन्यू सीजन 9 सीजन 10 के लिए बहुत ही बढ़िया करते आ रहे। तो सीजन 11 के पहले ही पुनीर पलटन ने उनको रिटेन करके रखा था। तो संकेत सावंत देखते हैं प्रो कबड्डी सीजन 11 में कैसा परफॉर्म करते हैं, जैसा उनका फॉर्म है उसी फॉर्म को बरकरार रखते हैं क्या, और प्रो कबड्डी सीजन 11 में कैसे टैकल करते हैं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। पुनीर पलटन के जो सेकंड रेडर हो सकते हैं वो है मोहित गोयट। मोहित गोयट की बात करेंगे तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही स्किलफुल टैलेंटेड राइट रेडर है, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म करते आ रहे पुनीर पलटन के लिए। प्रो कबड्डी सीजन 9 प्रो कबड्डी सीजन 10 कंटिन्यू पुनीर पलटन की स्टार्टिंग जोन में खेलते आ रहे और बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते आ रहे। 70th सीनियर नेशनल में हरियाणा के लिए खेलते हुए मोहित गोयट ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था, बहुत ही जबरदस्त रेड लगाए थे। 70th सीनियर नेशनल में हरियाणा चैंपियन बनी थी और मोहित गोयट का परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त था और बहुत ही अच्छे फॉर्म में। तो देखते हैं उनके अच्छे फॉर्म का कितना फायदा होता है पुनीर पलटन को, और प्रो कबड्डी सीजन 11 में भी मोहित गोयट कैसा परफॉर्म करते हैं, कैसे रेड लगाते हैं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। पुनीर पलटन के जो अगले रेडर हो सकते हैं वो है आकाश शिंदे। आकाश शिंदे की बात करेंगे तो बहुत ही स्किलफुल, बहुत ही टैलेंटेड रेडर है। इंडिया टीम के लिए एशियन गेम्स खेल चुके हैं, बहुत ही जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया था एशियन गेम्स में, उनका डेब्यू था इंटरनेशनल मैचेस में। उसके बाद पुनीर पलटन के लिए कंटिन्यू प्रो कबड्डी सीजन 9 प्रो कबड्डी सीजन में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते आ रहे। महाराष्ट्र टीम के लिए बहुत ही जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया था 69 सीनियर नेशनल 70 सीनियर नेशनल, उसके बाद 36 नेशनल गेम 37 नेशनल गेम्स। आकाश शिंदे का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में थे। अभी अभी जस्ट महाराष्ट्र स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप खत्म हुआ उसमें नासिक शहर के लिए खेलते उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था, बहुत अच्छे रेड्स लगाए थे। उनके अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से उनका जो बीच नेशनल गेम्स हुआ था उसमें महाराष्ट्र में सिलेक्शन होता और उस बीच कबड्डी नेशनल में महाराष्ट्र के कैप्टन थे आकाश शिंदे और महाराष्ट्र के लिए उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था। बीच में भी उन्होंने बहुत ही अच्छे रेड लगाए थे, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस था उनका, बहुत अच्छा फॉर्म भी था। उनके अच्छे फॉर्म का यहाँ पे पुनीर पलटन को जरूर फायदा होगा प्रो कबड्डी सीजन 11 में, और आकाश शिंदे बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं पुनीर पलटन के लिए। पुनीर पलटन के जो राइट कॉर्नर हो सकते हैं वो है गौरव खत्री। गौरव खत्री बहुत ही जबरदस्त स्किलफुल राइट कॉर्नर है। पुनीर पलटन के लिए प्रो कबड्डी सीजन 9 और प्रो कबड्डी सीजन 10 में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म दिया था, स्पेशली प्रो कबड्डी सीजन 10 में बहुत ही जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म दिया था, बहुत अच्छे टैकल लगाए थे, बहुत ही बढ़िया डिफेंडर है। और जो 70 सीनियर नेशनल होता उसमें चंडीगढ़ टीम के लिए खेलते उन्होंने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म दिया था, बहुत ही बढ़िया उन्होंने टैकल की थी। चंडीगढ़ टीम सेमीफाइनल में हार गई थी रेलवे से 5-8 में। उस पूरी टूर्नामेंट में गौरव खत्री का परफॉर्मेंस जबरदस्त था, बहुत ही बढ़िया उन्होंने परफॉर्म दिया था। पुनीर पलटन के लिए उन्होंने प्रो कबड्डी सीजन 10 में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म दिया था, उनके अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से पुनीर पलटन ने गौरव खत्री को प्रो कबड्डी सीजन 11 के पहले ही रिटेन कर दिया था। तो देखते हैं प्रो कबड्डी सीजन 11 में गौरव खत्री कैसा परफॉर्म करते हैं। पुनीर पलटन के जो लेफ्ट कॉर्नर थे प्रो कबड्डी सीजन 10 में होते मोहम्मद रजा शाडलू, लेकिन पुनीर पलटन ने उनकी प्राइस की वजह से उनको ऑक्शन में उतारा और उसके बाद उनको हरियाणा स्टीलर ने मोहम्मद रजा शाडलू को प्रो कबड्डी सीजन के लिए अपनी टीम में लिया। लेकिन पुनीर पलटन ने प्रो कबड्डी सीजन 11 के लिए ऑक्शन में नया एडिशन किया पुनीर पलटन के लिए। तो प्रो कबड्डी सीजन 11 में पुनीर पलटन के जो लेफ्ट कॉर्नर हो सकते हैं वो हो सकते हैं अमन अंटिल। अमन अंटिल बहुत ही जबरदस्त लेफ्ट कॉर्नर लगाते हैं, बहुत ही स्किलफुल डिफेंडर है, बहुत सारे सीजन से बेंगलुरु बुल्स के लिए खेलते आ रहे, बहुत ही अच्छा टैकल लगा रहे। तो देखते हैं अमन अंटिल यहाँ पे कैसा परफॉर्म करते हैं, अगर उनको स्टार्टिंग जोन में खेलने का मौका मिलेगा पुनीर पलटन के लिए तो कैसा परफॉर्म करेंगे, कैसा कॉम्बिनेशन होगा उनका और गौरव खत्री का ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। तो देखते हैं प्रो कबड्डी सीजन 11 में अमन अंटिल कैसा परफॉर्म करते, कैसे टैकल लगाते पुनीर पलटन के लिए। तो फ्रेंड्स प्रो कबड्डी सीजन 11 में पुनीर पलटन की ऑलमोस्ट 90% यही स्टार्टिंग जोन हो सकती है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो उनका कोर टीम था प्रो कबड्डी सीजन 10 का उनको ऑलमोस्ट उन्होंने रिटेन किया है, तो ऑलमोस्ट वही स्टार्टिंग जोन में खेलेंगे। मोहम्मद रजा शाडलू नहीं है, उनके जगह पे रिप्लेसमेंट बेस्ट है अमन अंटिल। तो मेरे हिसाब से ये स्टार्टिंग जोन पुनीर पलटन की हो सकती है। तो देखते प्रो कबड्डी सीजन 11 में पुनीर पलटन की स्टार्टिंग 7 क्या होती है, ऑलमोस्ट मेरी जो टीम है उससे मैच करती है क्या, आपको क्या लगता है स्टार्टिंग जोन क्या हो सकती है पुनीर पलटन की, जरूर मुझे कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स अगर पुनीर पलटन का फैन हो तो कौन से प्लेयर को आप मिस कर रहे हो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, आपके जितने फ्रेंड्स हैं कबड्डी लवर हैं उनके साथ शेयर करना फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चैनल पर नए हो तो, क्योंकि प्रो कबड्डी सीजन 11 रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आने वाले। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और आपका सपोर्ट मेरे साथ रखना।
नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस के बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, बहुत सारी कबड्डी की अपडेट आने वाली है, तो सब अपडेट आपको मेरे चैनल पे देखने मिलेगी फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।